हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बताया जा रहा है कि हमें प्रेरणा लक्ष्य के अकॉर्डिंग और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों को जो भी पढ़ाना है वो टीचिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है। और जैसा कि बच्चों के अकॉर्डिंग हमारे किसी क्लास में 5 सब्जेक्ट हैं, किसी में 6 हैं, तो एक साथ सारे लेसन प्लान बनाना, सबके टीचिंग प्लान बनाना सबके लिए मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने कुछ टीचिंग प्लान्स आपके साथ 1 by 1 शेयर करूंगी। आई होप आपको ये टीचिंग प्लान हेल्पफुल लगेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए टीचिंग प्लान अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं हम अपने क्लास 3 की विषय कलरव के टीचिंग प्लान की तरफ। सबसे पहले हम आज जानेंगे कलरव का फर्स्ट लेसन प्लान, जो कि है हमारी एक प्रार्थना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा। प्रार्थना का लर्निंग आउटकम होगा कि कविता को सुनकर व सीखकर बच्चों में लय से पढ़ने व कविता को उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने का गुण उत्पन्न होगा। साथ ही कविता के माध्यम से बच्चों में आपसी प्रेम व भाईचारे का भाव उत्पन्न होगा। बच्चे राष्ट्र व ईश्वर से स्वयं को जोड़ सकेंगे। इसके बाद आता है हमारा इसका प्रकरण। प्रकरण है हमारी प्रार्थना। ये एक प्रार्थना है जो कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आता है हमारा सामग्री, यानी सीखने सिखाने के लिए सामग्री क्या क्या यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले पाठ्य पुस्तक, जो भी पुस्तक है जिस क्लास की है वो, प्रार्थना से संबंधित चार्ट, आप इस प्रार्थना को किसी चार्ट पर भी बना सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण, यानी कि सुबह हम प्रेयर के टाइम पर भी ये वाली प्रार्थना बच्चों को सिखा सकते हैं। साथ में दीक्षा ऐप पर भी हम इसकी वीडियोज बच्चों को दिखा सकते हैं। अब हमारी बात आती है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं एवं गतिविधियां। हमारी जो टीचिंग प्लान होता है वो टोटल 6 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये हमारा टीचिंग प्लान का 4th स्टेप है। इसमें हमारे 4 कॉलम करते हैं। इसमें हम पहला क्रम संख्या, 2nd स्टेप चरण, फिर समय, फिर आकलन के तरीके। क्रम संख्या भी हमारी, तो इसमें भी हमारे 3 स्टेप्स आते हैं। पहला होता है शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद में। तो सबसे पहले चरण की हम तरफ चलते हैं, वो है हमारा शिक्षण की शुरुआत में। हमारा जो एक टीचिंग प्लान होता है वो 35 से 40 मिनट का होता है। इसमें हम क्या बच्चों को सिखाएंगे कि बच्चों से आसपास के वातावरण व चारों ओर की वस्तुओं के विषय में चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे। हमारा इसका टाइमिंग रहेगा 5 मिनट का। आकलन का तरीका रहेगा अवलोकन व प्रतिक्रियाएं। इसके बाद हम बच्चों को प्रेयर को इस तरीके से, मैंने ये प्रेयर अपने टीचिंग प्लान में भी ड्रॉ कर ली है और ये बना रखी है। आप बच्चों को ये प्रेयर अपनी क्लास में, प्रेयर स्थल पर, कहीं पर भी बच्चों को ये प्रेयर करा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है शिक्षण के दौरान, यानी कि शिक्षण के दौरान हमें बच्चों को क्या समझाना है, क्या सिखाना है। प्रारंभ में तो हम बच्चों की ही जानकारी करते हैं, शिक्षण के दौरान हम बच्चों को सिखाएंगे। शिक्षण के दौरान इसका टाइम जो रहेगा वो 20 से 25 मिनट का रहेगा। शिक्षण के दौरान हम बच्चों के क्या आकलन करेंगे, सुनकर, यानी कि बच्चा जो हम बता रहे हैं बच्चा सुन रहा है या नहीं। शिक्षण के दौरान बच्चों को मोबाइल पर दीक्षा ऐप की सहायता से या किसी भी वीडियो के माध्यम से बच्चों को विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं, स्थानों के वीडियो दिखाएंगे तथा उसके बाद कविता का सस्वर वाचन कराएंगे। इसके बाद कविता का भावार्थ समझाएंगे एवं कविता के रचयिता के बारे में बताएंगे। ये तो होती है हमारी शिक्षण के दौरान की जाने वाली बातें। अब हम आते हैं शिक्षण के बाद। ये हमारा टाइम रहेगा 10 मिनट का और इसमें हम प्रश्नोत्तर प्रस्तुतिकरण के थ्रू इसको करेंगे। शिक्षण के बाद बच्चों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे, जैसे कविता में आए शब्दों के तुकांत शब्द लिखो। बच्चों को तुकांत शब्द आने चाहिए, जैसे जल का थल, पल, बल, इस तरीके से घाट का बाट, मन का गन, फन, इस तरीके से। कविता में देश के साथ कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, कविता के रचयिता का क्या नाम है, ये हम बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे।
और बच्चे इसका जवाब दे सकें। इसके बाद हम बात करते हैं इस गृह कार्य की। जब हम पूरा वर्क स्कूल में करा देंगे, विद्यालय में जब फिनिश कराएंगे, तो हम बच्चों के लिए उनको गृह कार्य देंगे। और गृह कार्य देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि बच्चा अपनी जो भी क्षमताएँ उनको याद कर सके, मतलब जो भी हमने वर्क दिया है, जो हमने सिखाया वो उसको लर्न हो जाए। गृह कार्य में हम क्या दे सकते हैं कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। हम बच्चों को बोलेंगे कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, साथ ही आसपास की वस्तुओं की आवाज़ों का अवलोकन करें तथा जो भी देखें उसे अपनी कॉपी पर अवश्य लिखें। कविता के रचयिता के बारे में जो भी बताया गया उसे अपनी कॉपी पर अवश्य लिखें। इसके बाद शिक्षक की आगामी योजना क्या होगी, यानी कि अगर बच्चा सीख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ी बहुत कहीं कुछ त्रुटि आती है या बच्चों को कुछ सीखने में कुछ समस्याएं आती हैं तो उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो होती है हमारी शिक्षक की आगामी योजना। सभी बच्चे प्रार्थना स्थल पर अपने अगले दिन प्रार्थना का लयबद्ध हाव भाव के साथ सत्सर वाचन करेंगे, जिससे उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। इस प्रार्थना के अलावा कोई दूसरी प्रार्थना सुनाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का क्लास थर्ड का लेसन फर्स्ट प्रार्थना का टीचिंग प्लान। आई होप आपको पसंद आया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप भी इस तरीके से अपना टीचिंग प्लान बना सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।